बोली क्या बात करनी है? पता नहीं, बस तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। देखो प्लीज, जाना है तो जाओ मगर रहो मत, ओके? औरत कैसे नहीं रोएगी इसका पति किसी और के साथ? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है किसी औरत के साथ नहीं। अगर तुम्हारा कोई और पति है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? चलो शुक्र है मैं तुम्हारा एक लौता पति हूं, अब तो रोना बंद कर दो। देखो मैं रोकूंगा भी नहीं। हाँ तुम कहोगी ना तो टैक्सी बुला लूंगा। रोना बंद नहीं करोगी ना तो जाने नहीं दूंगा। लाती हूँ। आपका सर दर्द हो रहा है तो मैं सर दबा दूं? नहीं। दबाती हूँ ना थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। नहीं मैं दवाई खा लूंगा। कुणाल अभी तक सो रहे हो तुम लोगों? बाहर सब लोग आ चुके हैं, पूजा का समय हो गया, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। पूजा? पापा आज किस बात की पूजा? आज आनंद की बरसी है बेटा। बरसी की पूजा तुम दोनों को साथ में करनी है, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ।
सारे कुछ कंट्रोल नहीं अपने पे। कुछ सोचा नहीं ऐसा कैसे कर सकता तू? भूल गया आज आनंद की परसी याद है? क्या सोच रहा था, क्या कर दिया? सारा कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल कुनाल, कंट्रोल अपने इमोशंस को संभाल कुनाल। हाँ दीदी, कैसी सी बातें कर रही है यार दीदी? मैं अपने आनंद की बरसी भूल जाऊंगा क्या? एक ही दोस्त था जी मेरा, वो मेरा दिल दुखा के गया, मैं उसका दिल नहीं दुखाने वाला। और कुछ बात करे यार दीदी, मतलब अब मेरे को रोना, यूं ठीक हूं मैं, ठीक हूं। और जी रवीना का मुझे नहीं पता, वो अपनी दुनिया में रहती है आजकल। अच्छा दीदी हेलो, हाँ एक बात सुनो यार, वहां पे किसी को भी इमोशनल नहीं होने देना, जब तक मैं नहीं आता ना सबको खुश रखना आपका काम है। अपना आनंद सबको खुश देखना चाहता था ना। चलो ठीक है, बाय। एक साल हो गया यार आज, बड़ा याद आता है। तू ये सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रही है? आज आनंद भैया की बरसी है ना, मैं कैसे नहीं जाऊंगी वहां। तू श्योर है, पक्का जाना चाहती है? तो चल रहा है कि मैं अकेली? नहीं नहीं, चल रहा हूँ तेरे साथ, गुस्सा क्यों कर रही है? वो तू अकेली जाएगी तो आनंद तुझसे गुस्सा हो जाएगा। दो मिनट दे, मैं रेडी होके आया, ठीक है? सिद्धीप, रिचा जैसी बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ भाई। आइए बैठिए। सब यहां हैं, अगर मां भी होती तो कितना अच्छा होता। नहीं गौरव, वीना को यहां पे मत लाओ, गड़बड़ हो सकती है। उसकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि पापा, कब तक मां सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और कब तक हम मां को सच से दूर रखेंगे?
एक साल हो चुका है पापा, एक साल। माँ वैसी की वैसी ही है, उनका मेंटल कंडीशन बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुआ है। शायद बाहर आए उन्हें एहसास होगा कि पूरा एक साल गुजर चुका है और वो ठीक हो जाए। गौरव सही कह रहे हैं पापा, हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, वरना पूरी जिंदगी बीत जाएगी और माँ कभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी। उनकी भलाई के लिए हमें ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। मैं माँ को लेकर आता हूँ। मैं जाती हूँ। आओ माँ, बाहर सब आपको बुला रहे। वो वीना, वो कुछ नहीं, एक छोटी सी पूजा है। वहां जगह नहीं है बैठने की, मैं कुर्सी लाता हूं। हाँ माँ, माँ को कौन लाया? आनंद, माँ आगे खोलो। माँ सीमा, डॉक्टर को फोन कर। माँ, माँ जा लेके चल, कमरे में ले चल। इसकी हालत नहीं सुधर सकती है, ये जैसी है वैसी ही ठीक है। इसको ठीक करने के लिए अगर कोई जबरदस्ती कदम उठाएंगे तो इसको मुझको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है मुझे। माँ कैसी? अभी भी बेहोश है। मगर पापा, माँ को कमरे से बाहर लाया कौन? क्या जरूरत थी? गौरव, तुझे तो माँ की हालत का पता था ना? भैया मुझे बस लगा कि अगर माँ बाहर आएंगी तो शायद उन्हें असलियत का एहसास होगा और ठीक हो जाएंगी। एक साल गुजर चुका है भैया और दवाइयों से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मुझे बस लगा कि क्या लगा कि तू डॉक्टर से बड़ा हो गया, इलाज तू करेगा अपने तरीके से। यही दिन मिला था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए? अगर माँ पर उल्टा असर हो जाता तो फिर क्या असर पड़ा भैया? हाँ, क्या असर पड़ा? माँ को तो ये भी नहीं पता घर में कौन कौन है और हम सब पर क्या बीत रही है। जब आप भी आनंद की बरसी भूल गए तो माँ को क्या याद रहेगा भैया? हे, बस चुप हो जाओ दोनों। आज आनंद नहीं है हमारे साथ जो तुम दोनों की लड़ाई वो बंद करा सके।
और ना वीना की ऐसी हालत है कि उसके आंसू देख करके तुम दोनों चुप हो जाओ। और मेरी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब बर्दाश्त कर सकूं। छोड़ दो